हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे मैक्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी। लास्ट वीडियो में हमने न्यू हायरार्की थ्योरी एंड हर्ट्ज़बर्ग हाइजिंग थ्योरी आपने पढ़ी थी। अब देखिए, एक्स एंड वाई थ्योरी बिल्कुल सिंपल है। एक आपकी एक्स अप्रोच है, एक आपकी वाई अप्रोच है। तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर इसमें कुछ भी पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखिए, एक्स थ्योरी ये मानकर चलती है जो लेबर होते हैं ना, वो आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, वो काम करना पसंद ही नहीं करते। आप उनको कहोगे तो ही वो काम करेंगे, यानी वो सेल्फ मोटिवेट नहीं है। अगर आप उन्हें कहेंगे तो वो काम कर देंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। और उनसे काम करवाने के लिए हमें स्ट्रिक्ट भी होना होगा, उनको कंट्रोल भी करना होगा और उनको पनिशमेंट भी देनी होगी। जबकि वाई थ्योरी ये मानकर चलते हैं कि नहीं, वर्कर सेल्फ मोटिवेट होते हैं, हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप खुद अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इनमें डिफरेंस किया, पढ़ कर देख लेना, इजी है। देन आता है आपका ओची जेड थ्योरी। ठीक है, ओची जेड थ्योरी विलियम जी ओची ने दी है। ठीक है, ये थ्योरी किस पर बेस है? जापानीज थ्योरी पर बेस है। यानी जापान में जो मैनेजमेंट का तरीका अप्लाई होता है ना, वही तरीका ये जेड थ्योरी आपकी अप्लाई करती है। जैसे इन्होंने फीचर्स ऑफ जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स दिए हुए हैं, तो वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन है, उनको जापानीज तरीके में बताया हुआ है। तो आप बुक से स्टडी कर लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, फीचर्स ऑफ जेड थ्योरी। जेड थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय, जेड थ्योरी जापानीज को अपनाते हैं। जापान में क्या करते हैं, वो कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं तो वो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन करते हैं। तो यहाँ जेड थ्योरी ने भी क्या कहा, किसी भी डिसीजन में किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का। ओनर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन देना चाहिए। ये भी कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि एम्प्लॉयज़ को हम हर बात बताएं, कुछ इंपॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन उस टाइम अगर डिसीजन में इंक्लूड ना करें तो उन्हें उस बात के बारे में बताए ज़रूर। ठीक है, ये थ्योरी ये मानकर चलते हैं। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये थ्योरी कहती है कि हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में आपको पता है फॉर्मेलिटीज़ होती है, प्रोसीजर होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कोई नहीं है, कोई भी किसी से कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपस में रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फॉर्मल में ये भी हो सकता है कि प्रोसीजर होता है, पहले हेड होगा, उसके नीचे सब हेड होंगे, देन सब हेड। तो अगर मान लीजिए सब हेड को अगर ऊपर वाले से बात करनी है तो बीच में मीडिएटर से कांटेक्ट करना होगा, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है। अगर एक लोअर कैटेगरी का एम्प्लॉय भी अगर अपने हेड से बात करना चाहता है तो वो डायरेक्ट बात कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये इस पर फॉलो होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्ट, ये ट्रस्ट पर बेस है। थ्योरी कहते हैं कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए एम्प्लॉयज़ पर। ठीक है, जो हमारे लेबर काम कर रहे हैं उनको ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, जो हमारे इन्वेस्टर है उनको ट्रस्ट करना चाहिए, तो इस कॉन्सेप्ट पर चलती है। देन कहती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। ये थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, एम्प्लॉय को बेटर सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, फेयर रेम्यूनेशन देना चाहिए, बेटर फैसिलिटी देनी चाहिए, हाउस फैसिलिटी देनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी देनी चाहिए, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी देनी चाहिए, पेंशन फंड, यानी इट मीन्स उनके बीच अच्छे रिलेशन होने चाहिए और एम्प्लॉय को भी अच्छा काम करना चाहिए, ऑनर के प्रति हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा करना चाहिए, प्रॉफिट में इंक्रीमेंट में हेल्प करनी चाहिए। तो ये सारा है। ठीक है, देन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल, जितने भी पीपल उनके बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये थ्योरी हमारी क्या मानती है, जेड थ्योरी। अब देखिए, कुछ क्रिटिसिज्म है जेड थ्योरी के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब जेड थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म है। जेड थ्योरी क्या कहती है, जैसे इन्होंने बोला कि लैक ऑफ रिक्वायर एफिशिएंसी ऑफ पार्टिसिपेशन, ये कह रहा है कि हमें एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ पर क्या है कि एफिशिएंसी नहीं है। मान लीजिए लेबर में इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, तो एक ये प्रॉब्लम आ जाती है। देन लैक ऑफ रेसिप्रोकल लॉयल्टी, लेबर इतने लॉयल भी नहीं होते अपने ओनर के प्रति, और ज़रूरी भी नहीं है कि वो काम कंटिन्यू करे। एक बार अगर उनको कहीं अच्छी सैलरी मिल गई तो वो काम छोड़कर जा सकते हैं, यानी कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक वो काम करे। लैक ऑफ ग्रुप फीलिंग, यहाँ के लोग अदर अदर कास्ट के होते हैं, उनका धर्म अलग होता है, ठीक है, कल्चर अलग होता है, तो उनमें ग्रुप फीलिंग नहीं होती, यानी मिलकर काम करने की भावना कम होती है। ठीक है, लैक ऑफ टॉलरेंस इन इन्वेस्टर, लैक ऑफ टॉलरेंस इन इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते। जबकि जेड थ्योरी ये मानती है कि कभी कभी बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, ठीक है, तो लॉस को ना देखते हुए हमें बिजनेस में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। जबकि यहाँ पे इन्वेस्टर में इतना पेशेंस नहीं है, ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो वो उसी कंपनी में रहते हैं, तो यहाँ पे इतना टॉलरेंस पावर भी इन्वेस्टर की कम है। इनफॉर्मल
कॉन्ट वर्क, वही बात आ गई कि जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क नहीं कर सकता यहाँ पर। ये नहीं है कि इनफॉर्मल का मतलब तो एक होता है कि कोई भी कहीं किसी से भी कैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, वो आपका इनफॉर्मल होता है, जबकि यहाँ हम इनफॉर्मल अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पता है हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, पहले ऊपर बॉस होगा, बॉस के नीचे सब हेड होगा, देन लेबर होंगे आपके। तो अगर लेबर को बात करनी है तो पहले सब हेड से बात करेगा, देन उससे, तो एक प्रोसीजर होता है, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता। हॉरिजेंटल मूवमेंट रिड्यूस स्पेशलाइजेशन, ये कह रहा है। हॉरिजेंटल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि सेम प्लेस पे उसको बार बार हम ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका स्पेशलाइजेशन नहीं होता। आपको एक काम में थोड़ी देर रखा, फिर देन नेक्स्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, देन नेक्स्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप उस काम में स्पेशल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इसकी कुछ क्रिटिसिज्म है। तो इजी थ्योरी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप पढ़कर देखना, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।